श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे सभी भक्तों को। भक्तों, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा है तो, और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग दशहरा कैसे मनाते हैं, हमारे यहाँ दशहरा पूजन कैसे होता है। तो आज उसी के ऊपर ये ब्लॉग है, तो आप वीडियो से बने रहिए। और दशहरा के शुभ अवसर पर मेरे राम दरबार के जो है दर्शन कीजिए। दशहरा जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। रावण जो है वो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार के कारण वो नष्ट हो गया। इसलिए अहंकार का दमन करना जो है दशहरा हमें यह भी सीख देता है, और हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, और हमेशा सत्य की ही जीत होती है, और बुराई का हमेशा अंत होता है। यही सीख देते हुए जो है हम दशहरे का पर्व मनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोगों के यहाँ दशहरा किस प्रकार से मनाया जाता जो है। है वो दशहरे पर घिया का रायता बनाया जाता है। तो इसलिए जो है मैं घिया को छील रही हूँ, और छील के फिर मैं इसको कद्दूकस कर लूंगी। और यहाँ पर कुछ रखी है कुल्हो, जिनको कुल्हड़ भी बोला जाता है, हम लोगों के यहाँ इनको कुल्हो बोलते हैं। और इनमें जो है खील बताशे भरे जाते हैं, इन पर हल्दी के निशान बनाए जाते हैं सतिए। तो मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे होता है। पहले जो है मैं इस घिया को छील कर इसको कद्दूकस कर रही हूँ। तो देखिए ये घिया बिल्कुल जो है वो कद्दूकस हो गया है। अब मैं इसको बॉईल करना रख दूंगी। बॉईल होने पर इसका हम रायता बनाएंगे। तो इन कुल्लों पर जो है हम दोनों साइड सतिए बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैं इन सभी कुल्लों पर जो है वो सतिए बना दूंगी। तो इन सभी कुल्लों पर जो है वो सती निकाल लिए गए हैं। अब हम लोगों के यहाँ जो है दशहरे पर खील बताशे का पूजन होता है, तो मैं इन सब में जो है खीर भर लूंगी इस तरह से। और खीर भरने के बाद एक एक बताशा इन सभी कुल्लों पर मैं रख दूंगी। और पूजन के बाद जो है ये खील बताशे जो सभी घर की लड़की और परिवार के सदस्यों में बढ़ जाते हैं, सभी परिवार के सदस्यों को ये खाने होते हैं। ऐड कर दूंगी इसमें चाट मसाला जो कि मैंने बना के रख रखा है। अब देखिए हम रायते में लगाएंगे छौंक। गरम तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, और अब हम इस तरह से रायते में छौंक बनाते हैं तो बहुत अच्छी महक आ जाती है रायते में। अब मैं दिखाती हूँ, देखिए बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। और अब हमारा ये घिया का रायता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आकृति बनानी है, उस स्थान को जो है हम पानी से बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेंगे। पहले जमाने में तो चौक लीपा जाता था, लेकिन आजकल पक्के फर्श हैं तो हम इसे जल से ही साफ कर लेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब आटा लेकर हम यहाँ पर आकृति बनाएंगे। हर किसी की अपनी अलग-अलग परंपरा होती है, मगर बेसिक नियम लगभग सभी के सेम होते हैं। अब हमने जो ये आकृति बनाई है आटे और हल्दी की सहायता से बनाई है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर जो है इसके चारों कोनों पर और एक बीच में गोबर की ये जो थेपलियाँ होती हैं ये बना बना कर, दो दो थेपली बनाकर हम रख देंगे। कुल 10 जो ये हैं हमें गोबर की गोल गोल बनाकर ये रखनी है। ये 10 जगह हमें रखनी होती हैं, और इन्हीं पर ही फिर हम जो है जो हमने जौ बोए थे नवरात्रों में, दो दो जौ जो हैं ज्वारे हमने जो बोए थे वो रख देंगे, और कलावा भी साथ के साथ रख देंगे। और इसके पश्चात जो है वो मैं जो है पूजन करने के पश्चात हमारे यहाँ
जो है जेंट्स जो पूजा करते हैं दशहरे पर, लेकिन जो है आज घर पे कोई नहीं है, सब बाहर काम से गए हैं, इसलिए जो है ये पूजन मैं अपने छोटे बेटे से कराऊंगी। और हम लोगों के यहाँ दशहरे पर पायता पूजा जाता है, एक चारपाई जी बिछा दी जाती है, उस पर जो है कोई भी अपने पढ़ने की बुक्स और जो भी औजार होते हैं आप रख देते हैं और उसका पूजन किया जाता है। और जो जो बोए जाते हैं हम लोगों के उन्हें यहाँ पर उन्हें नोरते बोला जाता है, और ये नोरते जो हैं वो कानों पर रखे जाते हैं। जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के कान पर रखती हैं, क्योंकि बिटिया मेरी बाहर है तो इसलिए आज मैं ही लड्डू गोपाल के जो है और अपनी लाडों के कानों पर रख रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ जो है दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, और भाई अपनी बहनों को कोई गिफ्ट या जो भेंट स्वरूप पैसे भी देते हैं। तो इस तरह से हमने जो है अब की बार दशहरे का त्यौहार मनाया, फिर अपने जो है लड्डू लाडो और अपने कान्हा जी और राधा रानी को जो है जो हमने खील और बताशे वाली जो कुल्लो भर के रखी थी वो भी प्रसाद के रूप में दी, और रायता भी इनको जो है वो प्रसाद के रूप में, प्रसाद जब इन्होंने भोग लगाया तो वो जो रायता था वो भी प्रसाद बन गया। तो इस तरह से हमने जो है दशहरे का त्यौहार सेलिब्रेट किया। आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है दशहरे का त्यौहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, हरि बोलो, हरि हरि बोलो।